अजमेर के सोफिया कॉलेज में आज 7 दिवसीय राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अध्यापक व विद्यार्थी एक्सचेंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 27 जनवरी से 2 फरवरी तक कॉलेज में आयोजित किया जाएगा। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सिस्टर पल्स ने बताया कि कॉलेज में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अध्यापक और विद्यार्थी एक्सचेंज के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें 9 अलग अलग राज्यों के महाविद्यालयों से अध्यापक व विद्यार्थी कॉलेज में आए हैं और इनके आने का मकसद यह है कि अलग अलग जगह के अध्यापक और विद्यार्थी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलें और अपने विचार एक दूसरे में साझा करें और साथ ही कॉलेज में रहकर एक साथ रिसर्च करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करेंगे, जिससे कॉलेज में पढ़ रहे बच्चों को बाहर के कॉलेजों का अनुभव मिलेगा। साथ ही प्राचार्य ने बताया कि 9 राज्यों के कॉलेजों से आए अध्यापक और विद्यार्थियों का स्वागत किया गया और उनके लिए कॉलेज में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज सोफिया गर्ल्स कॉलेज में हमारे कॉलेज में इंटरनेशनल स्टाफ और स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर 9 कॉलेजेस अलग अलग राज्यों से और नेपाल से आई हैं, जैसे है सेंट जेवियर्स कॉलेज काठमांडू नेपाल, फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज भोपाल मध्य प्रदेश, पटना वुमेंस कॉलेज बिहार, सेंट जोसेफ्स कॉलेज त्रिची, सेंट जेवियर्स कॉलेज जयपुर, फादर एग्नेल कॉलेज गोवा, क्रिस्तु जयंती कॉलेज बैंगलोर, सेंट अलोयशियस कॉलेज जबलपुर। हमने ये कल्चरल एक्सचेंज का आयोजन इसलिए किया है, हमारी इन कॉलेजेस के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, हमने इसलिए किया है ताकि अलग अलग स्टूडेंट्स अलग जगहों से एक ही प्लेटफॉर्म पे मिले, वो एक्सचेंज करें, तो ये स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज में हमारे बच्चों के साथ बैठ के क्लासेस अटेंड करेंगे, उनकी टीचर्स हमारे कॉलेज में हमारे बच्चों की क्लासेस लेंगी और एक्सचेंज होगा आइडियाज़ का, कल्चर का और बहुत सारी आइडियाज़ का। लड़के भी आए हैं, लड़कियां भी आई हैं, वे साथ मिल बांट कर एक नई रिसर्च करेंगे और अलग अलग प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करेंगे, तो इनसे उनको एक ओपनिंग मिलेगा कि दूसरे कॉलेजेस में क्या होता है, दूसरे स्टेट्स में क्या होता है। तो ये बहुत अच्छा, बच्चे आज यहाँ पर आए हैं, कुल 60 जन हैं, 60 पीपल हैव कम फ्रॉम ऑल ओवर एंड इट्स अ वंडरफुल एक्सचेंज प्रोग्राम। आज हमारे यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ पहले, फिर दूसरा एक इको फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, उनके लिए इकोनॉमिक फोरम ने एक एक्टिविटी कराई थी, फ्लैश मॉब था, अर्थ नीति और अलग अलग प्रोग्राम्स किए थे। अभी यहाँ पर गेम्स किए जाएंगे, चेस फेस और उसके बाद एडमैड मेनिया और अलग अलग गेम्स करेंगे, तो बच्चों के लिए एक आदान प्रदान होगा। मैं ये प्रोग्राम है 27th से लेकर पहले 29th तक, फिर 30th से एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वर्कशॉप स्टूडेंट्स के लिए आयोजन किया जाएगा, तो ये 2nd फरवरी को समापन होगा।